दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा सा इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं और ये इमरजेंसी लाइट दोस्तों इसका बैकअप 4 आवर तक का है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से इमरजेंसी लाइट बनाया गया है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए हमें बॉडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक MDF बोर्ड से बॉक्स बना लेंगे। आप फोटो स्टेशनरी शॉप पर जाइएगा और 15 रुपये फुट आपको मिल जाएगा, 15 रुपये का ले लीजिएगा, इस 1 फुट मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें ख़राब जो है बल्ब चाहिए, बल्ब का ये बॉडी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें सोलर पैनल चाहिए, तो लंबाई चौड़ाई आप इसी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक फीमेल पिन चाहिए दोस्तों, 5 वोल्ट फीमेल पिन। और एक स्विच चाहिए बटन। और उसके बाद गाइस जो हमें चाहिए वो है ये एक पोटेंशियोमीटर जैसे, ये इमरजेंसी लाइट को दोस्तों जो है तेज़ धीरे करने वाला है पिन। और ये दोस्तों आपको मार्केट में 10 रुपये का मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स पिन ये हमारा। और इसमें दोनों एबिलिटी रहेगा, मतलब तेज़ धीरे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो स्विच से दबा सकते हैं, डायरेक्ट चल जाएगा। तो ऐसा ही हमारा बॉडी बनेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए लाइट चाहिए। लाइट दोस्तों 5 LED लाइट को मैंने पैरेलल कनेक्शन कर दिया है। आप कोई और भी लाइट ले सकते हैं जो 3.7 वोल्ट की बैटरी से चले। देखिए यहाँ पर ऐसे सेट हो जाए, ऐसे में पूरा सेट कर लेना है और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है लगाना पड़ेगा आपको इसको। देख सकते हैं ये जो लाइट है दोस्तों इसका बैकअप काफ़ी अच्छा है। अब बल्ब के ऊपर का हम लोग डिफ्यूज़र ले लेंगे। तो देखिए टूटा हुआ है तो इसको ढकने के लिए हम टेप का यूज़ करेंगे। और जो इमरजेंसी लाइट मैं बना रहा हूँ, यही इमरजेंसी लाइट आपको मार्केट में 150 से 200 रुपये तक की मिल जाते हैं। और आप इसे घर पर सस्ते, घर पर भी पड़े कुछ सामान से आप लोग बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हम टेप लगा लेंगे, काफ़ी अच्छा लुक लगेगा गाइस हमारा इमरजेंसी लाइट। और इसके दो वायर निकले हुए हैं, कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हैं। और हमें इससे कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा इसे, देखिए जो वायर है दोस्तों हम लोगों को ऐसे ही लगाना है, एकदम इजी प्रोसेस है। और ये जो इमरजेंसी लाइट है गाइस एक बार बता दूँ, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, 5 ही लाइट लगाया काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है दोस्तों। ये 6 वोल्ट का सोलर पैनल है। और दोस्तों मैं बता दूँ मेरा ऑनलाइन मार्ट है, आप लोग हमारे मार्ट पर जाकर कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये जो सोलर पैनल है ये 6 वोल्ट का है और बहुत ही अच्छा सोलर पैनल है, आपकी बैटरी जो है जल्दी चार्ज हो जाएगा। ये आपको लोकल इलेक्ट्रॉनिक के शॉप पर मिल जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के शॉप पर आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर से हमारे 2 वायर निकले हुए हैं, तो इसका कनेक्शन मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। देखिए मैं सारे चीज़ें ऐसे लगाते रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। फीमेल पिन लगा दिया अपना, ये दोस्तों जो पोटेंशियोमीटर आपको मैंने ये दिखाया तेज़ धीरे निकलने के लिए, लाइट ये भी मैंने लगा दिया। और मैंने जो है स्विच भी लगा दिया है, देखिए स्विच भी जो है मैंने लगा दिया और देख सकते हैं। और गाइस अब मैं इसमें जो है बैटरी यूज़ करने वाला हूँ। सो मेरे पास ये लियोन सेल जो है घर पे दोस्तों ऐसे पड़े हुए थे, तो मैंने 2 सेल को जो पैरेलल कनेक्ट कर लिया है। और 2 सेल आप इसके जगह पर कोई बैटरी भी ले सकते हो, 3 वोल्ट या 4 वोल्ट की। 3.7 वोल्ट का दोस्तों ये सेल मेरे घर पर जो है ऐसे पड़े हुए थे, तो मैंने इनका यूज़ कर लिया था। क्योंकि दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान होते हैं मेरे पास बहुत सारे से पड़े हुए हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक के शॉप पर जाएंगे आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये TP4056 मॉड्यूल है, जो पीछे साइड है दोस्तों यहाँ पर बैटरी प्लस बैटरी माइनस लिखा है, और आगे के साइड में जो है इनपुट होगा। यानी हम जो ये 5 वोल्ट का फीमेल पिन लगा हुआ है दोस्तों, और ये सोलर पैनल दोनों के प्लस प्लस माइनस माइनस कनेक्ट करके उसी पर लगा देंगे, सामने सामने ऐसे लगा देंगे। ये TP4056 में सारी चीज़ जो है लिखा रहता है। अब दोस्तों मैं आपको इसका कनेक्शन भी समझा देता हूँ। जो हमारा LED लाइट है दोस्तों, LED लाइट का प्लस हम लोग दे देंगे अपने बैटरी के प्लस पे, और LED लाइट का माइनस दे देंगे हम लोग जो पोटेंशियो पिन है उस पर, एक पिन पे लगा देंगे और प्लस उसका माइनस उसका लगा देंगे दोस्तों। मतलब समझाना मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि एक लाइट का एक वायर मैं बैटरी के एक वायर पर लगा दूंगा, जो दोनों वायर बचेंगे उसको अपने पोटेंशियो मीटर के दोनों वायर पर कनेक्ट कर दूंगा। और जो पोटेंशियो मीटर पर जो मैं वायर कनेक्ट करा रहूँगा, यही स्विच के वायर पर भी ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। वेरी इजी कनेक्शन, बहुत छोटा कनेक्शन है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो आप हमें कमेंट करें दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे बॉक्स के रूप में ऐसे लगाएंगे, ऐसे चिपका लेंगे। देखिए गाइस और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, देखिए चार्ज हो रहा है। देखिए चार्जिंग का टेंशन ना लें दोस्तों, ये जो TP4056 मॉड्यूल है ये 2 घंटा आप चार्ज करिए, 5 घंटा चार्ज कीजिए, बैटरी फुल प्रोटेक्शन मॉड्यूल है TP4056। और गाइस मैंने इसमें जो है पेंटिंग कर दिया है, अभी पेंट थोड़ा सूखेगा भी, थोड़ा देख सकते हैं पेंटिंग करने पर, फिर भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं इसको। रात के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। तो इस टाइम पे क्या है गाइस, इसकी थोड़ा 10 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दिया था मैं, चार्ज में लगा कर आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी कलर कर सकते हैं, काफ़ी सूखने के बाद काफ़ी अच्छा लग गया वैसे, देखिए
हमारा लाइट जल रहा है तो डायरेक्ट कैमरा यानी मोबाइल पे डायरेक्ट फोकस पड़ रहा है तो थोड़ा अंधेरा टाइप को दिख रहा है। वैसे ब्राइटनेस यार यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है इसकी, काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है। और देखिए लुक कितना अच्छा लग रहा है यार, सीधा मार्केट से भी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और ये डायरेक्ट जो है धूप से भी चार्ज होगा, कोई टेंशन नहीं है, जाओ छत पर रख दो, धूप नहीं हुआ रहेगा फिर भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी सूर्य की रोशनी होती है थोड़ा सा भी होगा फिर भी चार्ज कर लेगा। देखिए लाइट है, धीरे उससे तेज, फिर उससे तेज, उससे तेज, 7 स्टेप होते हैं गाइस, देख सकते हैं ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मैं इसे जो है रूम में लगा, देखिए अभी आपको रोशनी थोड़ा कम लगा होगा क्योंकि मोबाइल मैंने जहाँ पर रखा है डायरेक्ट सेम उस पर फोकस पड़ा था, तो अभी जो है कम लग रहा होगा। चलिए मैं आप लोगों को जो है इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे रूम में दिखा देता हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी, ब्राइटनेस पर ना पड़े कि ब्राइटनेस ख़राब है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो गाइस देखिए मैंने इसे चालू कर दिया और इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। मैं अभी आपको बताया कि डायरेक्ट मोबाइल पर पड़ रहा था फोकस, तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ जा रहा था। देखिए अब काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लॉयट का हमने एसी भी लगवा रखा है और ब्राइटनेस देखिए काफ़ी अच्छी है दोस्तों। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।